हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में कहता क्या है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और −√5/3 है। ठीक है, तो इसको हमको करना क्या है कि जो पहला शून्यक दिया गया है उसको x मान ले और दूसरा शून्यक को भी क्या मान ले, x मान ले। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख लिए फ्रेंड्स कि चूंकि दिए गए हैं कि x बराबर √5/3 और वह इसको भी x मान लेंगे तो x बराबर −√5/3। तब इसके बाद लिखेंगे कि जो बराबर के सेट प्लस में है तो हम बराबर के सेट लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x −√5/3 लिख लिए। और इससे भी लिखेंगे x जो बराबर के सेट माइनस में है तो बराबर से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x +√5/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको x का वो a मान लेंगे, उसको b मान लेंगे, उसको a और b। हमको पता है फ्रेंड्स कि a माइनस b, यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब इसके बाद करेंगे क्या, इसको देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है, x है, और b के जगह पे क्या है आपका, √5/3 है। तो x का स्क्वायर कर देंगे माइनस √5/3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये जो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/3। ठीक है, अब करना क्या है, जो x² माइनस 5/3 निकला है वो एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है p(x) का लिखेंगे। ठीक है, p(x) का। अब करना क्या है फिर, अब जो हम ये निकाले हैं x² माइनस 5/3 उससे भाग देंगे किसमें, यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, क्योंकि उसका शून्यक निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसको भाग देंगे x² माइनस 5/3 से, किसमें दे रहे थे, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब करना क्या है, हमें पता है फ्रेंड्स कि इसका जो पहला टर्म है वो कटना चाहिए, किससे, x² में कितना से गुना करेंगे जो 3x का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना से गुना कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3x का पावर 4 है अपॉन x² है यहाँ पे, तो x² क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर इंटू x² लिख सकते हैं, 3x² × x² / x² x² कट गया, क्या बचेगा आपका, 3x² बच गया। तो इसका मतलब x² में 3x² से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3x² से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4, अब यहाँ भी है माइनस है यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे क्या है 3x², तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, −5/3 है इंटू 3x² है यहाँ पे, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, −5 × x², है ना, −5x² बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, −5x², तो x² के सामने में लिखेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे −5x², अब क्या करना है, आपको घटाना है, तो अब प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और माइनस माइनस प्लस, तब 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 4 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6x का क्यूब
उतारेंगे, और माइनस दो प्लस पाँच क्या होता है प्लस तीन, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दस एक्स माइनस फाइव है ना, माइनस फाइव है यहाँ पे। तब अब इसके बाद फिर क्या करना है, ये जो पहला टर्म यानी कटना चाहिए है ना, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे जो छः एक्स क्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो है ना, तब कितना से गुना करेंगे, छः एक्स से गुना करेंगे, कितना से, छः एक्स से गुना करेंगे, तो यानी प्लस छः एक्स से, प्लस छः एक्स से, तब क्या हो जाएगा, छः एक्स का पावर क्यू, और यहाँ पे क्या है माइनस पाँच अपॉन थ्री है, और यहाँ पे छः एक्स है, तो तीन दूनी छः, देखिए यहाँ पे माइनस पाँच अपॉन थ्री इंटू छः एक्स से क्या हो जाएगा, तीन दूना छः, तो क्या हो जाएगा माइनस पाँच इंटू टू एक्स, तो माइनस दस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस दस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम घटाना है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, छः एक्स क्यू माइनस छः एक्स क्यू आपका कट जाएगा, माइनस दस एक्स प्लस दस एक्स आपका कट जाएगा, क्या उतरेगा, तीन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब यहाँ पे देखिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में कितना से करेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, प्लस तीन से करेंगे, क्या है, प्लस तीन से करेंगे, तो देखिए प्लस तीन से करेंगे तो तीन इंटू वन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन है ना, वन है, तब क्या हो जाएगा, तीन एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस पाँच बटा तीन और गुने तीन, तीन तीन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस पाँच बचेगा, है ना। तब देखिए यहाँ पे घटाना है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 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 प्लस, तो तीन तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, माइनस पाँच प्लस पाँच आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब क्या करना है हमको फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मूल निकालना था, क्या निकालना था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना था, मूल निकालना था, यानी शून्यक निकालना था, ठीक है, कि अन्य सभी शून्यक निकालना है, यदि दो शून्यक ये दिया गया है तो उसका और दो शून्यक निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर फोर है, तो कितना, चार शून्यक निकलेगा, ऑलरेडी दो शून्यक दिया गया है ना, तो उसी की मदद से हम लोग इसको भी निकालेंगे। अब है उसका जो, देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया गया है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन ने के मदद से दो और शून्यक निकालेंगे, ये जो भागफल है निकला है ना उसी के मदद से, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे इसे क्या करेंगे, अब तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, यानी जीरो करना पड़ेगा, इसको फैक्टर निकालिए, यहाँ पे तीन और तीन को मल्टीप्लाई करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तीन तिया नौ हो जाएगा, ठीक है, और नौ को तीन गुने तीन करेंगे तो नौ हो जाएगा, और नौ को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तीन से तीन तिया नौ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे हम, छः एक्स को तीन एक्स प्लस तीन एक्स लिख सकते हैं, है ना, छः एक्स को तीन एक्स प्लस तीन एक्स लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब है प्लस तीन बराबर जीरो, क्योंकि देखिए तीन प्लस तीन को जोड़ेंगे तो छः एक्स आ जाएगा, और तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी नौ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस तीन एक्स प्लस तीन इक्वल जीरो। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना कॉमन आएगा आपका, इसमें फ्रेंड्स कितना कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पे तीन एक्स का स्क्वायर प्लस तीन एक्स है, तब क्या हो जाएगा, तीन एक्स इन टू एक्स कर सकते हैं ना, प्लस तीन एक्स, यहाँ भी तीन एक्स है, यहाँ भी तीन एक्स है, इसमें तीन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है, तो तीन एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस वन बचेगा प्लस, इसमें भी देखिए आप यहाँ पे तीन गुने एक्स है ना, प्लस तीन है,
यहाँ भी तीन कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, तीन इंटू एक्स प्लस वन बचेगा, तीन इंटू एक्स प्लस वन बचेगा इक्वल जीरो। अब यहाँ पे एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और तीन एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो। अब ये दोनों को बराबर जीरो करना है, तो यदि क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका माइनस वन, ये आपका शून्य निकल गया। और यहाँ भी यदि थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो है, तो थ्री एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन थ्री, ये आपका कट जाएगा है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन, ये आपका दूसरा शून्य निकल गया है ना। तो हम दो शून्य ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था और यहाँ पे दो शून्य निकल गया है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।